आलू वाले बनवाए कीमे वाले बनवाए। यहाँ पे अभी मैं आप लोगों के साथ विजिट करवाने वाली हूँ बॉर्डर मार्केट का। अभी मैं जा रही हूँ घर से, तो स्टार्टिंग मैंने कहा मैं घर से ही बना लूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बॉर्डर मार्केट का विजिट करवाती हूँ। कुछ सामान लिया था वो थोड़ा सा चेंजिंग करवानी थी, तो उसी बहाने मैंने कहा व्लॉग बना लूँ। तो आप लोगों ने मेरे से मार्केट पहुंचते ही मैंने बेटे की जूती चेंज करवानी थी, तो वहाँ पे मैं फटाफट शॉप पे पहुंची हूँ। तो रोज़े का टाइम हो गया था, मार्केट में रश इतना था, ट्रैफिक इतनी थी कि मैं ट्रैफिक के अंदर फंस गई थी। फिर जिस टाइम मैं वहाँ पे पहुंची हूँ तो मैंने वहाँ से जवाद की जो कीटो थी वो चेंज करवाई। सेकेंड यहाँ बेटियों की मैंने कीटो लेनी थी, उनके पास ये कुछ डिज़ाइन मुझे पसंद आए थे, ये मैं आपके सामने एक शो कर रही हूँ। और एक ये है, तो इसमें से मैंने ज़ैनब के लिए एक परचेज़ करनी थी। इनके पास जो कीटो थी काफ़ी रिजनेबल प्राइस के अंदर, बड़ी ही अट्रैक्टिव और बड़ी ही खूबसूरत और मुनासिब पैसों के अंदर कीटोस थी, जो इस टाइम तारिक रोड के ऊपर काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। एक अरसा मैं तारिक रोड से लेती रही हूँ, लेकिन क्वालिटी का ये है कि यहाँ पे मुझे पसंद आई तो इसलिए मैं यहाँ से परचेज़ कर रही थी। कीटो वाकई मुनासिब रेट्स के अंदर थी और यहाँ पे मैंने अपने तकरीबन सारे बच्चों की यहीं से परचेज़ की थी। सिस के बच्चे की भी मैंने यहीं से परचेज़ की थी। यहाँ ये इनकी कार्ड है और ये मैंने ज़ैनब के लिए परचेज़ की है। ये दो डिज़ाइन थे, इसके अंदर मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कौन सा डिज़ाइन लूँ। तो यहाँ पे जो मुझे डिज़ाइन पसंद आया, उसके बाद जैसे ही रोज़े का टाइम हुआ तो फिर मैं रोड पे एक बर्गर वाले के पास आ गई। यहाँ पे चपली कबाब इसने बना कर खिलाए, बड़े ही लजीज इसके भी कबाब थे, जो बर्गर थे पेटी बर्गर टाइप के थे और चपली कबाब वाले बर्गर थे, काफ़ी अच्छे इसने मज़ेदार लाइट मसाले के अंदर बनाया। फिर मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा बाज़ार का ओवरव्यू दूँ, खाना भी खाऊं। तो इस जगह के ऊपर मैं बैठी हुई हूं और ये मौजूद है बोल्डन मार्केट में। बोल्डन मार्केट में ये जगह मौजूद है, ये मैं बर्गर खा रही थी। यहाँ पर जवाद मेरे साथ थे और अली मेरे साथ थे, मेरे भाई। यहाँ पे खाना खाते खाते एकदम मुझे याद आया मैं थोड़ा सा क्लिप आउट कर लूँ। ये मैं आपके साथ क्लिप आउट शेयर कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे बैठी हुई, रोड पे बैठी हुई। रोड पे खाने का भी अपना मज़ा है, रेस्टोरेंट में तो खाते ही हैं, अच्छी से अच्छी जगह पे भी बैठकर खाते हैं, चले रोड पे खाने का भी अपना मज़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है इनके खानों में लज्जत नहीं है, मिर्ची मुझे बहुत लग रही थी। सामने ही फालूदे वाले की दुकान थी तो मैंने सोचा एक फालूदा भी ले लेते हैं। फालूदा उसने फटाफट बना कर दिया, अच्छा बना हुआ था फालूदा, लेकिन मैंने कहा ये पानी वाला ज़्यादा फालूदा है। तो खाने पीने के बाद फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चलने लगी, मार्केटें ओपन होना शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे गई हूँ, तो ये ओवरव्यू दे रही हूँ। ये बोल्डर मार्केट के अंदर मार्केट है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे अच्छी से अच्छी कीटोज़ लगी हुई हैं। चंद दुकानों के ऊपर ही वैरायटी नज़र आई, हर दुकान पर भी मौजूद नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा होल सेल रेट के ऊपर कपड़े, अच्छे से अच्छे कपड़े हैं। और यहाँ पे मैं आगे आगे चल रही थी, चंद दुकानें खुली हुई थी, मैंने कहा चले चंद दुकानों का और भी हो दे देती हूँ आप लोगों को। बोल्डर मार्केट में ये है कि होलसेल रेट्स के ऊपर अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन खैर बच्चों के कपड़े तो मैंने तारिक रोड से ही लिए थे। यहाँ से मैंने, किसी ने मुझे बताया था, मेरी फ्रेंड ने, यहाँ पर कीटो वगैरह के लिए। खैर कीटो के लिए मैं आई यहाँ पर, रोड के ऊपर चल रही क्योंकि दुकानें तो ऑलरेडी बंद ही हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा शॉर्ट आउट कर लेती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ। फिर मैं कप वाले के पास खड़ी हुई हूँ, यहाँ से मैंने ग्लास परचेज़ किए। यहाँ पे लगे हुए थे 400, 450, 550, ये मैंने 350 रुपये के ग्लास उससे लिए परचेज़ किए। ग्लास तो जितने हों तो उतने कम हैं, ग्लास टूट जाते हैं, गर्मी नहीं बचते, बच्चों के हाथों टूट जाते हैं। सो यहाँ पे आगे मैं पढ़ रही हूँ, यहाँ पे गिफ्ट आइटम और मेहंदी बिया इस तरह की एक डेकोरेशन शॉप थी, इसको मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया, इसको थोड़ा सा ले लिया। अब यहाँ बाहर निकली हूँ तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा था, ज़ाहिर है अफ्तारी खुली थी तो अफ्तारी के बाद दुकानदार दुकानें खोल रहे थे, चंद दुकानें खुली हुई थी, फूड स्ट्रीट ज़्यादा खुली हुई थी। ये मैं अभी इस टाइम आ गई हूँ, मेरे ख्याल से ये है जोड़िया बाज़ार। जोड़िया बाज़ार है ये, यहाँ पर मुझे पैदल पैदल चल रही थी, बाइक दूर खड़ी की हुई थी ट्रैफिक की वजह से। तो यहाँ पर जोड़िया बाज़ार में थोड़ा सा चल रही हूँ और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो जूस वाले कलीजी वाले, यहाँ पे एक अच्छी सी शॉप भी आई है बच्चों के कपड़ों की। गुजरते गुजरते थोड़ा सा मैंने ये इनको शूट किया,
मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ की स्ट्रीट कैसी है बोर्डर मार्केट की। ये तिल्ली नज़र आई, भाई ने कहा तिल्ली खानी है, मैंने कहा नो वे, मैंने तो बर्गर खाया, मेरे मैदे के अंदर दर्द शुरू हो गई। अब यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, बाइक पर बैठ गई हूँ या पता नहीं नहीं बैठी हूँ, आई थिंक सो बाइक पे बैठ गई थी। और यहाँ पे चलने के बाद, काफ़ी दूर तक चलने के बाद, ये चंद दुकानें जो ओपन थी ये मैंने शूट आउट कर ली हैं, और आप लोग भी देखें मार्केट को कि मार्केट बोल्डर मार्केट कैसी है, मज़ेदार। यहाँ पे हलीम गर्मा गर्म, यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ थी जो नज़र नहीं आ रही थी, आप लोग देख रहे होंगे। फोर्थ स्ट्रीट बड़ी ही मज़ेदार गर्मा गर्म, ये बड़ी बेहतरीन और ख़ूबसूरत मस्जिद मुझे नज़र आई, मैंने सोचा मैं इसकी वीडियो बनाऊँ। मस्जिद बहुत खूबसूरत बनी हुई थी, न्यू मस्जिद बनी है, और मतलब मेरे दिल को बहुत भाई ये मस्जिद। फिर यहाँ से निकली हूँ, ये होलसेल जूतियों की मार्केट थी, यहाँ पे बच्चों की अच्छे से चिकीटोज मिल जाती हैं। ये पता नहीं कौन सी मार्केट है, ये मुझे नाम नहीं पता, भाई को पता है। यहाँ से निकलते निकलते बाइक के ऊपर ही हम मौजूद थे, यहाँ पे एक पीस का हिसाब नहीं।